पावरफुल सेक्स लाइफ के लिए स्मोकिंग बंद करना जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकत्व या लिंग में कठोरता नहीं आना या लिंग में कमजोरी, ये सब बीमारियां जो है इसके वजह से हमारे पास में लोग आते हैं। तुमको कुछ जो सवाल करते हो उसमें से पहला सवाल ये रहता है कि क्या आप स्मोकिंग करते हो, बीड़ी तंबाकू लेते हो, सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो? क्योंकि सिगरेट में, मतलब स्मोकिंग में या बीड़ी में, सिगार्स में निकोटीन होता है। निकोटीन की एक खासियत है कि निकोटीन जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जो अस्तर है, अंदर की जो समझो ऐसा ऐसा ब्लड वेसल है, तो ये अंदर का जो हिस्सा है उसके ऊपर वो एक थर जमा कर देता है, एक लेयर जमा कर देता है। अब निकोटीन ने उसके ऊपर एक लेयर जमा कर दिया, उसको हार्ड कर दिया, ब्लड वेसल को हार्ड कर देता है, तो फिर क्या होगा? जब ब्लड वेसल को हार्ड कर दिया तो उसमें से ब्लड फ्लो होना बहुत संघर्ष में हो जाए, मतलब ब्लड फ्लो इजीली नहीं होगा। लिंग का कठोरता, लिंग की कठोरता जो है कि लिंग कठोर होना वो काहे के ऊपर है? लिंग की कठोरता वो लिंग में कितना ब्लड आता है एक्साइटमेंट के समय उसके ऊपर है। मतलब 150 से 200 ml समझो लिंग में ब्लड आता है, खून आता है अंदर। लिंग एक स्पॉन्ज जैसा है, स्पंज जैसा है, वो उसमें भग 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 ऐसा खून जाएगा अंदर लिंग में और लिंग कठोर हो जाएगा। अब 150-200 ml जब वो घुस रहा है अंदर ब्लड, उससे लिंग कठोर होता है। अब वो जो है, जो खून की जो नली है या खून की ब्लड वेसल जो है वो कम छोटी हो गई है, अब ये ब्लड अंदर जाएगा नहीं लिंग में। अब ब्लड अंदर जाएगा नहीं या धीरे धीरे जाएगा, तो जब धीरे धीरे जाएगा या कम जाएगा तो लिंग में कठोरता नहीं आएगी, सीधी बात है। तो फिर पहले क्या करना, पहले सबसे पहले जो बात है वो स्मोकिंग स्टॉप करना पड़ता है। और आपको यदि अपना लाइफ पावरफुल रखना है, सेक्स लाइफ, तो स्मोकिंग करना ठीक नहीं है। तो लोग बोलते हैं हाँ बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको कुछ तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। मतलब भाई आप बहुत सारे लोगों की बात मत करो, आप आपकी बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंसर भी होता है स्मोकिंग से, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, मगर साइंटिफिकली पाया गया है कि भाई सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, सिगरेट पीने से नपुंसकत्व आने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए सिगरेट पीना बंद करना चाहिए। तो फिर लोग बोलते हम छोड़ नहीं सकते, कैसे छोड़ेंगे, बहुत इच्छा होती है, बहुत डिजायर होती है, स्ट्रांग मतलब विड्रॉल आता है, तो कैसे छोड़ेंगे? तो फिर मैंने इसके पहले भी सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, दो तीन आइटम बताता हूँ अभी कि भाई एक तो आपने क्या करना है कि एक साथ पैकेट मत लाओ घर पे, एक 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 सिगरेट लाओ। होता क्या है कि आप जब पैकेट लाते हो तो एक के पीछे एक ज्यादा पीने की संभावना है। जब आप 10-15 सिगरेट दिन में पीते हो तो 10-15 बार नहीं जाओगे सिगरेट लाने के लिए, तो एक 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 लाने का। फिर क्या है कि समझो भी सिगरेट पीने की इच्छा हो गई तो अपना मन कहीं बहलाने का है, जो चीज़ अपने को अच्छी लगती है वो चीज़ करना है, उसमें अपना मन डालने का है। समझो कोई टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, कोई यूट्यूब के वीडियोज़, इंस्पिरेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज, जिनके जिनसे बात करने में आपको अच्छा लगता है उनके साथ में बातचीत, तो ऐसा अपना मन वहाँ से हटा के और दूसरी कोई चीज़ करना है उस समय। तो एक बार मन वहाँ से हट गया तो जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है कि जब ऐसी पीने की इच्छा होती है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पास में रखना, ड्राई फूड या ड्राई फ्रूट जो भी है, और थोड़े से वो खाना, ताकि क्या होता है एक बार पेट भर जाएगा, पानी पी लिया तो वो जो क्रेविंग है उसमें कम हो सकता है। और नेक्स्ट आइटम ये है कि समझो आप ये पीने की इच्छा होती है तो वहां से निकल जाना और दूसरे काम में बिजी हो जाना, और कोई तो भी काम में खुद को बिजी कर लेना और वो सिचुएशन है वहां से निकल जाना। फिर नेक्स्ट आइटम ये है कि जो पीने वाले उनके संगत में नहीं रहना, क्योंकि ये जो पीते हैं उनके साथ में रहेंगे तो पीने की इच्छा होती है। ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिसकी वजह से आप पीना छोड़ सकते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं हमने सिगरेट नहीं पीते मगर वो जो है निकोटिन गम्स उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, निकोटिन गम्स का इस्तेमाल करते हुए भी आपको लैंगिक प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसमें भी निकोटिन है। निकोटिन के पैचेस लगाते हैं, निकोटिन के गम्स खाते हैं, चूसते हैं, तो उससे भी नपुंसकत्व आता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। मतलब निकोटीन पूरा वर्ज लेना ही नहीं है, तो ये आप करेंगे तो आपका सेक्स लाइफ जो है वो ठीक चलेगा। और एक बार यदि डैमेज हो चुका है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो चुकी है, तो फिर आपको सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल जैसी दवाइयाँ खा के वो जो ब्लड फ्लो है वो कैसा बढ़ाएंगे,
उसके बारे में फिर गोलियां लेके आपको आपका इलाज करना होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिगरेट पीने से जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो सिगरेट पीना छोड़ेंगे और अपना सेक्सुअल लाइफ पावरफुल करें। हमारी ऐप है तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ चैटिंग कर सकते हैं, फ्री चैटिंग उपलब्ध है। और वैसे नीचे नंबर हमने दिए हुए हैं, तो ये जो विषय है इसके बारे में आपको कोई भी सवाल जवाब है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। थैंक्स।